देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है, समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद जी। यहाँ पर वर्तमान में कुल 35 मरीज भर्ती हैं। 35 में से केवल 4 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, शेष सामान्य स्थिति में हैं और उनका उपचार टीम यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, निगरानी समितियों ने कोविड प्रबंधन में बेहतरीन योगदान दिया है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वह देश के अंदर एक अच्छे मॉडल के रूप में उसको गिना गया, उसको देश और दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि सतर्कता और सावधानी से ही हम इस महामारी का सामना कर सकते हैं। एक दूसरा, हम लोग कोरोना से भागे ना, बल्कि भीड़ भाड़ में वाले स्थानों पर जाने से बचे। ये महामारी है, एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इससे बचाना होगा। शेष लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के पहले मास्क लगा करके जरूर जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन जरूर ले लें, ये फ्री वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है। और जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है दूसरा डोज जरूर ले लें। अगर बीमार हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उन बीमार लोगों को, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बूस्टर डोज के लिए जो निर्धारित समय सीमा है, अगर वह है उस समय सीमा के अंदर वह अपना बूस्टर डोज भी ले लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसी महामारी उनका कुछ बिगाड़ पाएगी। उन्हें इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ प्रभावी ढंग से अपनी पूरी यूपी टीम के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम थर्ड वेव को भी उसी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।